वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड दैट ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया और इतना प्यार दे रहा है, लाइक अगेन टच वुड कि वी आर ऑन टॉप टू. सो अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड कीप लविंग अस लाइक दिस एंड कीप सपोर्टिंग अस लाइक दिस. सो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर सपोर्ट एंड योर लव. अद्रिजा प्लीज बताइए कि अगर इस साल को अगर समराइज करना हो तो किस तरह से समराइज करना चाहेंगे इस साल, या किस तरह से समराइज करना चाहेंगे? मैं बोलूंगी कि इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर बिकॉज यू नो दैट आई एम फ्रॉम बंगाल एंड जब मैं यहाँ आई थी लाइक आफ्टर आई हैव शिफ्टेड टू बॉम्बे, सो आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हियर ओनली. सो जो भी उसके बाद से अभी तक स्टिल नाउ चल रहा है एंड आज आई टी अवार्ड्स में भी आई हूँ एंड आई परफॉर्म्ड हियर, मतलब वी बोथ मी एंड साई. सो ऑफकोर्स दिस इज वेरी स्पेशल एंड आई थिंक आई एम लिटरली आई फील दैट कि होता है ना किसी किसी के लाइफ में द बेस्ट मोमेंट, तो आई एम लिविंग द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, तो आई फील दैट. एंड न्यू ईयर आने वाला है सो दिस 2023 वाज सुपर फॉर मी एंड 2024 भी आई होप कि ऐसे ही बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही ऐसे ही चलेगा. एंड अगर हाँ ये तभी हो सकता है जब आप लोगों मतलब जैसे प्यार दे रहे हैं ऐसे अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे तो तभी ये पॉसिबल होगा. लवली, ऐसे में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप, प्लीज बताइए क्या आउटफिट है और किस तरह से इसे यू नो कितना टाइम लगा है तैयार होने में? इसमें इसके लिए उतना कुछ प्रिपरेशन नहीं लिया था क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस था एंड दैट वाज ओपनिंग एक्ट, तो वी आर लिटिल बिट नर्वस बिकॉज वी डिडंट गेट एनी टाइम टू रिहर्सल प्रॉपरली, यू नो कि कैसे क्या होता है रिहर्सल एंड ऑल. बट जितना भी टाइम मिल रहा था वैसे वैसे करके आधे घंटे 15 मिनट्स करके हम लोगों ने रिहर्सल किया है एंड इट वॉज लाइव, सो प्रेशर तो था. एंड यहाँ पे बचपन से ही बोलूंगी मैं कि बचपन से सबको देखती थी, आई मीन ऋतिक रोशन उनका ही नाम आ रहा है क्योंकि ही इज माई क्रश. बिकॉज क्रश तो मिले मतलब पिक्चर नहीं ले पाए, इट्स फाइन बिकॉज ही वॉज बिजी एंड हम लोग भी जल्दी जल्दी रेडी होके यहाँ आए थे. सो आई एंजॉयड द लाइक व्हेन ही वॉज डांसिंग आई वॉज लाइक ओ गॉड लाइक it was Shahrukh Khan is love for me and Hrithik Roshan is my crush, so I met him, so it was a special moment. outfit ke bare mein ye kuch decision matlab decide nahi kiya tha pehle se kyunki rehearsal ke liye yahan pe trials bhi nahi hua tha, to aaj aake costume kya hoga wo performance ke liye tha. and aaj subah जो मैं एक डिजाइनर है, आई एम अ डिजाइनर हियर, सो मैंने उसे कहा कि मुझे आई वांट समथिंग अ गाउन काइंड ऑफ थिंग जो थोड़ा सा वो ऐसा होगा ये होगा वो होगा. सो आई वांट टू लाइक मतलब क्या है ना कि मुझे ज़्यादा सब कहते हैं कि मुझे क्यूट में ज़्यादा अच्छा लगता है. सब कहते हैं सो इसलिए कि क्यूट क्यूट कुछ ड्रेस मुझे चाहिए. आउटफिट दिस इज मेड बाय मी बेसिकली, तो मैं थोड़ा शॉपिंग के लिए गया था और आई गॉट दिस आउटफिट एंड आई एम लविंग इट. इट्स ब्लैक, इट्स ब्राउन एंड आई थिंक दैट्स माय कलर. द वाइब इज अमेजिंग एंड वी स्टार्टेड, आई थिंक आईटी का जो ओपनिंग था वो हमसे ही हुआ है. दैट वाज आवर ओपनिंग एक्ट एंड एवरीवन लव्ड इट. व्हेन आई केम बैकस्टेज सब लोग बोल रहे थे कि साई एंड अद्रिजा लाइक wow this is so good, this is so good. and to be honest ye mera pehla live performance show hai, matlab iske pehle maine camera mein act kiya hai, matlab wo shooting hai but live performance maine pehli baar kiya hai zindagi mein, pehli baar kiya and it came out well. I was really nervous pata nahi kaisa hoga kya hoga, fir maine Adrisha ko bola ki this is just another day of shooting for me, that's it, aur main kar lunga aise hi. We are dancing, like feel kiya we are shooting and like everyone is our from our set, so yeah chalo main jaise scene ke pehle hum log karte hain na ki ye karne ka, chalo kar lete. So stage pe completely he was not Sai for me, he was Agastya for me and in fact and she was Imli for me, yeah. So we are like मैं तो फील कर रही थी, होता है ना कि हाँ जैसे आगे के साथ मैं सीन्स करती हूँ वैसे ही, मैंने कहा कि हाँ यू ऑलरेडी वो रैपो बिल्ड हो गया तो इट्स इजी टू डू इट. एग्जैक्टली, आई थिंक रेजोल्यूशन अगले साल के लिए यही होगा कि और डू मोर हार्ड वर्क, कीप द मोर डिटर्मिनेशन एंड कीप ऑल योर स्पिरिट्स हाई, दैट्स इट. सेम हियर एक्चुअली, सब बोल ही दिया सब ने, इट्स ऑल द सेम, हां बिकॉज़ यही करना चाहते हैं और क्या, लाइक दैट्स व्हाट वी वांट.
हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।